गुरुनगरी अमृतसर में कुछ दिन पहले गांव मुहावा के नज़दीक जो स्कूली बस का एक्सीडेंट हुआ था उसमें 7 बच्चे मारे गए थे तथा कई घायल हुए थे, जिसके तहत आम आदमी पार्टी लीगल सेल अमृतसर की तरफ से मर चुके बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद जिन बहादुरों ने जान पर खेलकर 30 मासूम बच्चों को बचाया था उनको सम्मानित किया गया। उन्होंने मांग की है कि उस बहादुर बच्चे को तथा गांव वालों को राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा जाए और सरकारी नौकरी मुहैया करवाई जाए। इस दौरान उन्होंने प्रशासन तथा सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में 1 सप्ताह के भीतर स्कूल मैनेजमेंट तथा बस मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की गई तो आम आदमी पार्टी लीगल सेल अमृतसर उन्हें मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करेगी तथा उन्हें इंसाफ दिलाएगी। सर, मैं गाड़ी में बैठा था और मैं पास बैठा था, गाड़ी के विंडो के पास था, और मैं गाड़ी एकदम से उलट के बीच में गिर गई, जब पानी में, और सारा पानी भर गया। फिर कुछ दिखाई नहीं थी दे रहा क्या करना है। फिर मैं थोड़ा संभल गया और मैंने बाहर विंडो तोड़ दी। विंडो तोड़ के फिर मैं बाहर आया, फिर मैंने बच्चों को बीच में से खींचा, फिर खींच खींच के मैं बाहर निकाली गया उनको। मेरे साथ ड्राइवर आ गया, वो भी उसने मेरी हेल्प की, 4-5 बच्चों को निकाला उसने। और फिर ऐसे बाद में जब लोग आ गए, ज़्यादा लोग हो गए पिंड के, फिर वो भाग गया डर के। अच्छा, तुम्हारी सिस्टर भी थी हाँ, उसमें? सिस्टर भी थी मेरी, जैस्मिन। अच्छा, हाँ जी, तो उसको कैसे, उसको फिर बाद में निकला? हाँ जी, वो लड़कियाँ बड़ी थी, वो पीछे बैठी थी, उनको पानी गया उनके अंदर, चोट लगी उनको भी, बाद में आई वो। तो टोटल कितने? 25-30 बच्चे थे। बहुत सर शुक्रिया, मुझे इतना लायक समझा आपने कि मुझे यहाँ पर बुला के इतना सामान दिया। हादसा, गाड़ी बहुत तेज थी और उसको 2 दिन हुए थे अभी आए को, दूसरा दिन था उसका, और उसने थोड़ी ड्रिंक भी की हुई थी, स्कूल वाले बोलते थे। और फिर गाड़ी बहुत तेज आ रही थी, एक टायर नीचे उतर गया, गाड़ी उलट के बीच में गिर गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन पर्पज तो साडा यही सी जी, जिहड़ा 20 तरीक का जिहड़ा वाकया होया, जिस दे विच 7 स्कूल दे बच्चों की मौके पर डैथ हो गई सी। उस एक्सीडेंट दे विच पुलिस ने FIR कट्टी है ड्राइवर अते मालक दे उत्ते, मगर जिहड़े कि मेन कल्पिट्स ने, जिहड़ी मैनेजमेंट जिन्हां दी स्कूल की बस सी ते जिहड़े स्कूल का प्रिंसीपल है, वो उत्ते कोई लाइबिलिटी फिक्स नहीं की गई है, वो रिस्पोंसिबिलिटी बिल्कुल इग्नोर किया गया। साड़ी इस मंग नूं लैके आ कि उस FIR दे विच मैनेजमेंट नूं भी नामजद किया जाए। दूसरा, उस हादसे के दौरान एक स्टूडेंट +2 दे स्टूडेंट ने अपनी जान नूं खतरे च पा के 30 दे करीब बच्चों नूं बचाया सीगा, और पिंड दे एक बहादुर नौजवान काबल सिंह जिन्हें कि 20 फुट तो पुल के उत्तों छाल मार के बच्चों नूं बाहर कढ़िया सीगा, उन्हां नूं सम्मानित करन दा साडा मकसद सीगा। और इस तों अलावा असीं सरकार नूं दरखास्त करन वास्ते कि इह परिवारां नूं जिन्हां दे बच्चों की जान गई है, इन्हां नूं 25-25 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिता जाए, अते स्कूल मैनेजमेंट के उत्ते FIR दर्ज की जाए। दो दो मंगा दा असीं मुद्दा रखिया मेन अज। कमी देखो, हाईकोर्ट ने स्कूल्स नू ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन जारी की हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नू इंस्ट्रक्शन जारी की हुई हैं कि स्कूल दी बसेस कैसी होनी चाहिए ने। इस एक्सीडेंट के दौरान पाया गया कि जिन्हें भी रूल्स, जिन्हें भी बायलाज है, उन्हों इन्होंने वायलेट किया है। इस कारण एडमिनिस्ट्रेशन ते जी गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली रिस्पोंसिबल है। देखो, वैन जी है वो 15 सालों तो, पिछले 15 सालों तो रजिस्टर्ड ही नहीं सी, बिल्कुल डैमेज कंडीशन के वैन सी, वैन के कोई हैल्पर नहीं सी, वैन के दरवाजे हाइड्रोलिक नहीं सी, वैन के 25 बच्चों की कपैसिटी है, 40 बच्चे बैठे थे, यानी कि हर पक्षों जी जी वायलेशन है वो हुई है। और स्कूल की मैनेजमेंट अगर चैक रखती, अगर वो वैन की कंडीशन देखते तो ऐसी वैन में ना बच्चा बच्चे ले जाने की परमिशन देते तो ऐसा इन्ना वड्डा नुकसान नहीं होना सी। इस कारण साड़ी बेनती है कि जिहड़ियां ऑलरेडी हाईकोर्ट ने इंस्ट्रक्शन जारी कर दी हैं, जिहड़ियां स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रूल्स बना ले हैं, अगर कोई स्कूल उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं करता, उन्होंने सानू यह नहीं देखना चाहिए कि स्कूल के पिछे कोई रूलिंग पार्टी का मिनिस्टर है कि नहीं है, क्यों जिस तरह ये है कि रूलिंग पार्टी के किसी मिनिस्टर का बेटा भी ट्रस्टी है तो होएगा, मगर स्कूल से FIR लॉज जरूर की जाए बिना किसी पोलिटिकल दबाव के प्रैशर के। बच्चों बिल्कुल एक एग्जाम्पल, इस केस नूं एग्जाम्पल बना दिता जाए ताकि अगे तो किसी के बच्चे की जान ना जाए। अगर रिस्पोंसिबिलिटी फिक्स कर देंगे स्कूल अपनी जिम्मेवारी समझेगा, अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी फिक्स करांगे ताई अगे तो इंसीडेंट नहीं होंगे। देखो, जिहड़ी हाई कोर्ट ऑलरेडी सानू इंस्ट्रक्शन जारी कर चुका, उन्होंने इंप्लीमेंट कराने असी, बस स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी बनती है। हुण जिन्ने भी स्कूल्स ने, DAVs ने, हरकृष्ण पब्लिक जां खालसा कॉलेज रिलेटेड है, पोलिटिकल
ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੁਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।